अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग मेरे फ्रेंड्स? सारे माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे अपने घरों में। बस अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बीमारियों से महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और आज मैंने सुबह में वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी घर के कामों में, तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं अभी की वीडियो बना रही हूँ। और बहुत सा मैंने लुक आपका बैकग्राउंड दिखाया है और उसमें मैंने बात नहीं करी, अब मैं बात कर रही हूँ। और हमारी लाइट गई हुई थी तो मैंने चाय अभी रख कर आई हूँ चूल्हे पे। दोपहर में मैंने टिंडे गोश्त यानी कि जो तुरई वो लौकी भी डाली है और हमारे टिंडे गले नहीं थे तो इसलिए मैंने दोबारा चूल्हे पे रखा है। गैस चली गई थी इसलिए मैंने दोबारा चूल्हे पे रखा है कि थोड़ा सा गल कर चावल भी कच्चे पक्के बने थे जो उसको फिर दम पे रखूँगी। बाकी हमारा खाना पीना ऐसे हुआ आज का हमारा। और बाकी चले मैं भी चाय बना रही हूँ और मैं अपने ट्रंक से गर्म कपड़े निकाल रही थी और बाकी सफाई भी कुछ कर रही थी, जाले वाले साफ़ कर रही थी। और क्योंकि मैं अपनी छोटी सिस्टर के घर थी तो मेरा 3-4 दिन से घर का काम नहीं हुआ था, तो मेरे घर में बहुत
ज़्यादा डस्ट भी हो गई थी, वो साफ़ कर रही थी और सुबह से वह छींके मार रही थी क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और सुबह मैं अपने वे हॉस्पिटल भी गई थी दवा लेने के लिए। दवा भी लेकर आई अपनी और ज़ाहिर है वॉक करके जाती हूँ, फिर वॉक करके आती हूँ, फिर सारे घर के काम करे मैंने, आके घर की डस्टिंग वगैरह करी, तो मेरे के आज बहुत टाइम लग गया सफाई में और अभी बहुत से काम मेरे पड़े हुए हैं घर के भी, क्योंकि ज़ाहिर है कहीं निकल जाओ तो फिर घर के काम मेरे रह जाते हैं करने को, तो उन्हीं कामों में उलझी भी थी आज मैं। और अब देखें कल मेरे वॉशिंग मशीन भी लगाने का इरादा है, कपड़े भी थोड़े जमा हो गए हैं तो सोचा मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा लूँगी, कपड़े भी वॉश कर लूँगी। और बाकी आप लोग सुनाएं, अब सर्दियों की आमद आमद है, मौसम चेंज हो रहा है और मुझे आज बहुत ज़्यादा छींके आई है, तो मेरे दांत में भी जलन बचने लगी है, तकलीफ़ हो रही है मेरी दांत में भी, और क्योंकि ज़रा सी भी डस्ट चली जाए तो मुझे छींके शुरू हो जाती है, और इसी की मैं दवा भी लेने गई थी और इंशाल्लाह रात में खाऊंगी, तो देखते सुबह में क्या होता है। बाकी हमारी तो अभी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है और चलती रहेगी मसरूफियात, तो उसमें मेरी वीडियो थोड़ी सी मिस हो जाती है, ठीक है। आप लोगों से अपने दिन भर की रूटीन तो मैं आज नहीं शेयर करी, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया मैंने कि आज मेरा क्या क्या काम थे, ठीक है। चले मैं देखती हूँ चाय ना बन गई हो, क्योंकि अभी गैस आ रही थी तो मैंने चूल्हे पे ये सब चीज़ें रखी हैं गर्म करने के लिए और चाय बनाने के लिए, ठीक है। और अभी मेरा इरादा था कि मैं इनके कवर भी चेंज कर लूँ, तो साथ ही साथ ये भी धुल जाएंगे, और अभी बैठती हूँ इनके कवर भी हाथ के हाथ चेंज कर लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि मुझे मैले से लग रहे हैं, बैठे बैठे ये काम हो जाएगा मेरा। चले मैं अपने ये काम कर, ये टैबलेट दी है डॉक्टर ने और अभी मैंने एक खा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नज़ला हो रहा था और छींके बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए एक खा चुकी हूँ, अब देखिए क्या होता है। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आजकल मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियात है और मैं वीडियो भी सही से नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियात है मेरी। कल भी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के घर से 2-3 दिन बाद वापस आई थी यहाँ, और वहाँ मैंने बना ली थी, लेकिन फिर भी कोई टाइम ही नहीं मिल रहा था, बस ऐसे ही छोटी मोटी वीडियो बना ली थी। बाकी आज भी बनाई है वीडियो, क्योंकि आज भी मेरे वहाँ से आऊँ तो यहाँ की मसरूफियात ख़त्म नहीं होती, यहाँ के काम अपने बहुत ज़्यादा होते होंगे। आज तो मैंने ट्रंक खोल लिया था, ट्रंक में से गर्म कपड़े निकाले थे और फिर उनको धूप में रखा, बाकी डस्ट वगैरह पूरी साफ़ करी, झाड़ पोछ करी घर की और कवर वगैरह चेंज करें, सब ये मैंने आपको वीडियो में बताया है। और अगर फ्रेंड्स आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है और हो सकता है कोई अच्छी वीडियो लेकर आ जाऊँ अगर मुझे मौका मिला तो। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।